मेरे को प्रियंका नहीं रहना, मैं मेरे डिवोर्स के पेपर सारे तैयार करवा लिए हैं। क्या बोल रहा था, दूसरी कोई आएगी लात मार के चल जाएगी तो तेरे माँ की इज्जत न करेगी। जो भाई सर बोलो, डरो मत, आप बोलो। लो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं प्रिया को छोड़ के आ चुका हूँ। जिया को मैंने स्कूल छोड़ दिया और प्रिया को भी पार्लर में छोड़ दिया और मैं अभी रेडी हो गया हूँ। मैं रेडी होकर जा रहा हूँ फ्लोर जाना। गाइज, मुझे फ्लोर इसलिए जाना है क्योंकि मेरा जो लाइसेंस है चलान हो गया था, मेरा लाइसेंस देना पड़ा मुझे। मैं लास्ट टाइम नकोदर जब जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो पीछे वाले जो पिलियन होता है मेरा, उसने हेलमेट नहीं पहना था, उसका चलान हो गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ और अपनी ही अभी कार में जा रहा हूँ। मतलब 2-3 दिन हुए अभी सीखे को, फिर मैं चलो लेके जाता हूँ, तभी थोड़ा डर सा निकलेगा। तो बस अभी मैं जाता हूँ अपने दोस्त के साथ। गाइस, जैसे तैसे करके मैं पहुंच तो गया हूँ इसके घर पे। अब भाई का सफर देखते कैसा होता है। तो गाइस, हमारे साथ एक पॉपअप हो गया कि हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए मैं वापस आ गया। यार मतलब 250-500 रुपए का टोल टैक्स हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ हम गाड़ी इसके घर खड़ी करके निकलते हैं और बाइक पे जाते हैं। फ्लैट ही वहाँ पे है, फ्लैट ही ना पे, फ्लैट ना पे। हाँ, तेल बचाओ, पैसा तेल बचाओ, 500 का तेल लगा के हम 3 दिन चला लेंगे गाड़ी। सही बात है यार, चलो चलते हैं अब घर को। लेकिन ये है कि मजा आ गया हाईवे में चला के। बस ये हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, ये साहिल की, अब हम चले बाइक में। चलो बाइक में जाना पड़ेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर भी काम नहीं बना हमको आगे, और एक और डेट डाल दी। यार भाई ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीख, निराशा पे निराशा हमें। मतलब कम से कम 2-3 बार हो गया हम आए यहाँ पे और नेक्स्ट नेक्स्ट डेट डाल रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि वीरवार को आना है, थर्सडे को, तो अब थर्सडे को आएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब अरे यार, मेरे को ये डर है कि कहीं कोई पकड़ ना ले लाइसेंस के लिए, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, पकड़ लेते होते हैं। भूख भी लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं। भाई सब खा रहे हैं लेकिन मुझे प्रिया की याद आ रही है, क्योंकि प्रिया होती ना, इसको दो बाइट में पूरा खा जाती दोनों। तो गाइस मैं फ्लोर से आ चुका हूँ, मेरा काम वहाँ पे बना नहीं है। उन्होंने नेक्स्ट एक और डेट डाल दिया और वो डेट, मतलब डेट पे डेट डाली जा रही है, पता नहीं कोर्ट कचहरी कैसे काम होते हैं। और गाइस मैंने प्रिया से बात नहीं की है, शाम हो गई अभी तक कोई बात ही नहीं किया उससे, ना फोन पे बात की ना कुछ। तो मैं सोचता हूँ बोरिंग सा डे लग रहा है, क्यों ना इसको थोड़ा मजेदार बनाया जाए। मजेदार मैं ऐसा करूंगा कि प्रैंक करूंगा गाइस, मम्मी के साथ प्रैंक करूंगा कि मुझे प्रिया के साथ नहीं रहना है करके, ऐसे बोलूंगा मैं। मतलब मुझे प्रिया पसंद नहीं है और मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है करके, ऐसा करके बोलूंगा। देखते हैं मम्मी क्या रिएक्शन होता है। और मैं बोलूंगा कि मुझे दूसरी बहू लानी है आपके लिए, मैं दूसरी बहू लाना चाहता हूँ। देखो आपको पता भी है गाइस कि मम्मी कितना करती है प्रिया से, मुझसे ज़्यादा प्यार मम्मी प्रिया से करती है। तो मम्मी का रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। तो वीडियो के साथ बने रहना, बहुत मजा आएगा। जो मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और मैं फटाफट से कैमरा फिट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। सो गाइस, मैंने अब कैमरा फिट कर दिया है और अब मैं मम्मी को बुलाता हूँ, प्रैंक करता हूँ स्टार्ट। मम्मी को बुला के लाना पड़ेगा स्पेशल इस कमरे में, मम्मी को लगना चाहिए कि मतलब कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, इसलिए इस कमरे में मम्मी को लेके आया। तो मैं इस कमरे में बहुत कम आता हूँ और मम्मी को भी लगना चाहिए कि सही में कोई सीरियस बात है। 15 मिनट्स लेटर। मैं जरा बैठ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मुझे ना प्रिया के साथ रहना नहीं है। oh, no. क्या प्रिया के साथ नहीं रहना मेरे को? क्यों? मुझे पसंद नहीं है प्रिया। क्यों नहीं पसंद है? अब नहीं पसंद वो कहाँ यार, मेरा स्टैंडर्ड देखो, अब मेरे को नहीं पसंद है, बस मुझे नहीं अच्छा लगता। कौन सा तेरे माथे में चेपा था उसको, तो पसंद करा के लाए थे ना, अब क्यों नहीं पसंद है? नहीं मेरे को यार कैसे बताऊं, मैं पहले वाला जीत नहीं रहा, मैं बदल चुका हूं और अब मेरे को प्रिया के साथ नहीं रहना है, मुझे अच्छा नहीं लगता उससे रहना, और मेरा सिर दर्द होता है बहुत ज्यादा, दिमाग खराब हो गया मेरा। मेरी बात सुनो, तू बदल चुका है, बीबी को थोड़ी ना बदलेगा, तू बदल ही, बीबी को सुधारना, बीबी को अच्छी बना, अपने उसकी बना बीबी को। नहीं मेरे को नहीं रहना है, मेरे को चाहिए नहीं बीबी, नहीं चाहिए मेरे को। चलो मेरे को प्रिया के साथ नहीं रहना, मैं मेरे डिवोर्स के पेपर सारे तैयार करवा लिए। क्या बोल रहा था, मेरे को नहीं रहना है, जबरदस्ती क्यों नहीं रहना है? जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो ऐसे यार, क्यों नहीं कर सकते, शादी करा रखी जबरदस्ती है, क्यों नहीं रहना है? तुझे नहीं रहना, कैसी बात कर रहा था? नहीं रहना, जिया है साथ में, तो जिया है तो क्या, ले जाने, ले जाए अपने जिया को, पड़ी रहेगी कहीं पे कोने में। कहाँ पड़ी रहेगी क्यों पड़ी रहेगी? अच्छा क्यों पड़ी रहेगी, चलो बात समझो, मैंने क्यों बताया पता है? खून है वो, लड़की है वो, मेरी पोती है, उसको तू ऐसे ही बोल दिया, बोला कैसे तुझे पड़ी रही? मैं पाल लूंगा उसको, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिया का कुछ हल करना है। क्यों करना है? नहीं नहीं, प्रिया का अच्छा
मम्मी उसको हल करना पड़ेगा, मेरे को नहीं रहना, कह रहा हूँ उसका कहाँ गांव की गवार हो, मैं कहाँ शहर का रहने वाला गवार है, तो यहाँ के शहर जैसी तेरी से अच्छी है वो, ठीक है ना, सब इतना कुछ करती है, इतनी अच्छी है, ऊपर से बोला दूसरी को आएगी लात मार के चल जाएगी तो तेरी माँ की इज्जत न करेगी, घर के किसी भी ध्यान न रखेगी, फिर वो इतना कुछ कर रही है, पर मेरे को क्यों, मेरे को लगता है कि मुझे उसका नहीं रहना है, ऐसा क्यों है, फिर वो होनी होगी ना फैट दोनों में, तभी बोल रहा है दो चार दिन में तो ही बोलेगा। नहीं नहीं वो बात नहीं है मम्मी, क्यों नहीं वही बात है, ये बात ना मेरे एक डेढ़ साल पहले से आ रही है मेरे मन में, मैं बोलूं लेकिन अब मैंने बोल दिया जैसे हिम्मत करके, नहीं रहना मेरे को बस, सारे काम को सब तैयार है, ऐसा मुंह से भी मत निकाल, ऐसा शब्द मत निकाल, मेरे को नहीं रहना बस, जो मर्जी करो, तो मैं क्या हुआ इसको, कह तो रहा हूँ इतना अच्छा खाना बनाती है वो, है? इतना बड़े खाना बनाते हैं आप, कह रहे हो खाने, तो कह रही मम्मी, कह रही कभी नमक ज्यादा तेरे खाने में, कभी मसाला, क्या बोल रहा है, क्यों मार क्यों रही, क्या हुआ, ठीक है ठीक है, अभी तेरी बात ही कर रहा भाई, ये तेरी शिकायत ही कर रहा है कि मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैं ये ज्यादा नमक डाल दिया, नमक डाल दिया नहीं, तेरे को तलाक देता हूँ, पेपर वो कर दिया, अभी मैं कह सकता हूँ, क्यों ना कह सकता, अभी तो बोला तू, अभी तुरंत बोला, नहीं प्रिया मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, तेरे को यकीन है ना, ऐसा ही बोल रहा है ये, मेरे को वहाँ से बुला के लिया उधर कमरे से, बोल रहा है मम्मी मैंने उसके साथ नहीं रहना है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, गवार है, ये है, वो है, बोल रहा है, तेरे बारे में सारा मेरे से बात कर रहा है, नहीं बोला प्रिया मैंने, यार मैं अपनी बात ना अपने दिल की बात आप क्यों बता रहे, मेरे थ्रू क्यों बोल रहे, जो वैसे बोलो डरो मत, आप बोलो ना कम वो कर, ठीक है ना, क्या हुआ, क्या जा रहे हो, क्या चल यार तू जा, सारा मेरा प्लान चौपड़ कर देती है, क्या चौपड़ कर, प्रैंक कर रहा हूँ मैं मम्मी, यार भगवान दो और मारो इनकी कान के नीचे, सच्ची मारने लायक है ये, तेरे को तेरी एंट्री जरूरी नहीं है, तेरे भाई में खाना बनाने क्या क्या बोल रहा है, खाना बना जा, खाना खाने के लिए वहां सब सबने खाने खा दिया, हम लोगों ने, मैं ये देख रहा था कि आप क्या रिएक्शन होता, हुआ क्या था, आप बताओ मुझे हुआ क्या, क्या हुआ कि मैं देखना चाह रहा था कि मम्मी क्या रिएक्शन होता तेरे बारे में, मैं कुछ बोलता हूँ मम्मी, मैंने कहा मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तलाक देना, तू दफा कर दे, दूसरी ऐसे बोल रहा है, ऊपर से क्या बोल रहा है, तुम अपने क्या बोला, दूसरी दूसरी बीवी लेके कैसी है ये, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, मेरा प्लान सारा चौपड़ कर दिया भैया रानी चोल ने, बाय बाय, इतने अच्छे से लेकर आया मेरे को बैठाल के ना, बोल रहा मम्मी मैं और बोले और मम्मी को फंसा रहे, मम्मी को ऊपर से देखा आपके सामने कैसे पीट रही है मेरे को, ऐसे बात करेगा तो फंसा रहा है, आप तो हौसला बढ़ा रहे हो, कल के दिन ये मेरे सर पे चढ़ के डांस करेगी, करेगी तो करेगी, कर सकती हिप हॉप, हिप हॉप डांस करेगी, हिप हॉप हिप हॉप बेली सब, बाय गाइस, बाय 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 बाय।